अस्सलाम वालेकुम, ये फोटिक एक कैविटेशन मशीन है। आज आपको इसका डेमो देते हैं, इसको चेक करवाते हैं कि इसमें कैसे इसकी जो पावर है वो हम चेक करते हैं। अभी ये मशीन मैंने इसको पावर लगाई है, ये इसकी बैक पे एक बटन है, उसको हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगी। ये वाला जो मॉडल है ये बटन वाला मॉडल है, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये देखिएगा। मैं इसमें इसमें हम पहले जो है वो 40K कैविटेशन वाला जो प्रोब है वो चेक करते हैं, ये वाला। अब इसमें लेवल जो है उसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये। अब हम इसमें मोड है डिफरेंट, अभी ये एक्टिव है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, पहले मैं आपको ऊपर से चेक करवाता हूँ। इसमें थोड़े से ड्रॉप, पानी के ड्रॉप, ये देखें। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, ये देखें, ये ऊपर पानी स्टे ही नहीं कर रहा इसके ऊपर, ये देख। अभी मैं इसको जो दूसरा मेथड है इसका जो हेड है इसको मैं डिप करके तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये साउंड भी आप इसकी चेक करें, ये मैं इसके जो हैंडल है इसको थोड़ा सा डिप करता हूँ तो ये आप देखिए, ये हैंडल इसमें डिप नहीं हो रहा। मैं कोशिश करूँ कि थोड़ा सा इसको, नहीं ये इसमें डिप नहीं होगा। मैं कोई और बर्तन ट्राई करता हूँ जिसमें मैं इसको चेक करूँ। इतनी देर में मैं आपको ये वाला टूल इसका चेक कराता हूँ दूसरा, जी। ये मल्टीपोलर वाला लगा हुआ, इसका भी मैं लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ। इसको इस हैंडल को ऐसे चेक करते हैं कि ये जो पावर है इसकी वो हीट होनी चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया, मतलब कि ये इतना हीट हो गया कि इसके ऊपर फिंगर्स नहीं रखने होती। ये बिल्कुल हीट अप हो गया, ये बिल्कुल एक्टिव है और वर्क कर रहा है। अभी मैं दोबारा मैं एक दूसरे बाउल में आपको जो कैविटेशन वाला है वही मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसका जो लेवल है मैं बढ़ा के फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये वाला जो फोन, ये हमने ऑनलाइन ही देखा कि इसको ऐसे चेक करें कि अगर हम इसको पानी में लगाएं तो वेव बननी चाहिए। ये बिल्कुल वेव्स बन रही हैं, ये देखें। मैं दोबारा, मैं ये साउंड भी आप इसकी चेक करें। मैं इस चीज़ से भी थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि कहीं ये मशीन ख़राब ही ना हो जाए। ये अगर मैं इसको डिप करके इस तरह करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा वो करती है, ये। अभी मैं इसके ऊपर दोबारा आपको पानी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, ये देखिए किस तरह स्टीम बनाती है, ये। और साउंड भी आप इसकी चेक करें सर, ये फौरन ही वो पानी को जो ऊपर से वो उड़ा देती है। और लास्ट टेस्ट जो मुझे बताया गया या मैंने मुझे पता चला कि अगर हम अपनी स्किन पे लगाते हैं तो आपको कान में थोड़ी सी साउंड भी फील होगी कि मशीन वाकई वर्क कर रही है या नहीं। तो अभी ये मैं अपनी बाजू पे लगाता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे साउंड आती है या नहीं। जी बिल्कुल, मुझे साउंड जो कान में वो काफ़ी शार्प आ रही है, बिल्कुल साउंड भी आ रही है। और ये वाला भी टेस्ट हो गया, और ये वाली भी टूल टेस्ट हो गया। ये वाला भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। अभी ये छोटा टूल है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। एट अ टाइम इस पर हम टू जो प्रोब्स हैं वो लगा सकते हैं, तो
तो अभी जो छोटी प्रोब है वो भी मैं आपको लगा के चेक करवाता हूँ। इसमें लॉक बना होता है तो बहुत केयर के साथ ही आपने इसको लगाना होता है ताकि ये पिन ना डैमेज हो जाए। अभी ये वाली प्रोब लग गई है, ये हम चेक करते हैं। ये ट्राईपोलर प्रोब है, इसका भी लेवल हम इंक्रीज़ करते हैं। जी बिल्कुल, ये भी हॉट हो गई है और ये जैसे हम इसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म फील होती है। ये हॉट हो गई है फुल, मीन के ये भी जो प्रोब है एक्टिव है। और बाकी इस मशीन की जो ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके ऊपर लिखा होता है कैविटेशन स्लिमिंग सिस्टम, और बैक साइड पर इसकी ये पावर वगैरह लिखी होती है, इनपुट आउटपुट। ये इसका एक फ्यूज़ होता है और ये इसका पावर बटन है जिधर से हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। और ये इसके साथ तीन टूल होते हैं, ये मैंने अभी चेक किए, काफ़ी पावरफुल टूल है। हालांकि मैंने पहले भी वो चेक किए हैं, उनमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, ना ही वो पानी स्टीम बनता। और ये इसकी पैकिंग है, इस बॉक्स में पैकिंग है। ये इसका स्टैंड है साथ, और ये साथ एक्स्ट्रा इसके फ्यूज़ है।